नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। तो आज बात उत्तराखंड के सियासत के उस मुद्दे की जिसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देवभूमि के दंगल में खुद कमान संभाली। मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही उत्तराखंड बीजेपी की ऊर्जा दोगुनी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रण में उतरते ही बीजेपी अब एक बार फिर से जीत की हुंकार तेजी से भरने लगी है। बीजेपी का दावा है कि मोदी के दौरे से बीजेपी को नई ऊर्जा मिली है। लेकिन आज उत्तराखंड के श्रीनगर में देश के प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में कांग्रेस पर वार किया, कांग्रेस के पंजे पर प्रहार किया, उसने एक बार फिर से उत्तराखंड से देश के भीतर एक नई सियासी बहस को जन्म दे दिया। दरअसल देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जनरल विपिन रावत को सड़क का गुंडा कहने वाली कांग्रेस आज उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है। पीएम सीधे तौर पर जनरल विपिन रावत का नाम लेकर कांग्रेस पर निशाने साध रहे थे। उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा पहरी की तरह रक्षा की है, यह बात देश के प्रधानमंत्री ने कही। लेकिन कहा कि आज पौड़ी गढ़वाल के ऐसे ही वीर सपूत जनरल विपिन रावत, उनकी स्मृति आज मुझे भावुक कर रही है। उन्होंने देश को दिखाया कि उत्तराखंड के लोगों के पास ना सिर्फ पहाड़ जैसा साहस है बल्कि हिमालय के जैसी ऊंची सोच भी है। देश के प्रधानमंत्री के आज वाक्यों में विपिन रावत का जिक्र अब कांग्रेस को अखर रहा है। प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में विपिन रावत का जिक्र किया उससे कांग्रेसी नाराज हो गए हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे गहरी तकलीफ होती है इस बात की कि कांग्रेस पार्टी में अपने प्रचार में विपिन रावत जी का कटआउट इस्तेमाल कर रही है। इस बात को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने अपनी नाराजगी का इजहार किया कि कटआउट का इस्तेमाल कर रही है प्रचार में, और ऐसे में यह बात उन्हें तकलीफ दे रही थी। कुर्सी के लिए कांग्रेस किसी भी सीमा पर जाने के लिए तैयार है। अब इस पूरे मसले को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। आइए जरा देश के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा देवभूमि के दंगल में, और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ कि आखिरकार कौन इस्तेमाल कर रहा है अपने वीर सपूत विपिन रावत का नाम का इस्तेमाल चुनावी रण में आखिरकार कर कौन रहा है। पहले यह बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। मेरा दाना सयोना, दीदी भुलिया, भुला भौजियो थे मारु सिमान्या मारु प्रणाम। आशा करत आप सब कुशल मंगल होला। जय बद्री विशाल, जय केदार। भाइयों बहनों, मां गंगा गढ़वाल की वीरांगना रानी कर्णावती, चौदकोट की तीलू रौतेली, सुबाड़ी के पंथिया दादा, मलेथा के माधोसी भंडारी, ऐसे अनेक व्यक्तियों से प्रेरणा पाने वाली इस धरती को, यहां के लोगों को भी मैं आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं। इधर कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। देश के प्रधानमंत्री निशाने पर विपक्ष को ले रहे थे और सीधे तौर पर संकेत यही कि देवभूमि के दंगल में किस तरह से अब जनरल विपिन रावत की एंट्री हो चुकी है। अब सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। लखपत बड़ोला हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ चेहरों में से एक है, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं।
बड़ौदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समीर रतूड़ी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो कि आम आदमी पार्टी के चेयर हैं, उपाध्यक्ष हैं मैनिफेस्टो कमेटी के। साथ ही साथ कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन लखपत जी, देश के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर सवाल आप लोगों की सोच पर उठाया है। वो ये कह रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत का आप राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उन्हें टीस दे रहा है। आज दोबारा आप देखेंगे कि मोदी जी ने वही चाल चली है। मोदी जी ने कहीं पलायन के ऊपर बात नहीं करी, मोदी ने कहीं पुराने घोषणाओं के बारे में कोई बात नहीं करी, मोदी जी ने किसी स्कूल के बारे में बात नहीं करी, स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करी। लेकिन बात जरूर तो हुई है, वो इस बात को लेकर भाई बहनों का नाम जरूर ले जाना करवा ली में, जो हर बार वो लेते आए हैं। लेकिन उसके साथ उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने ये बोला है कि आप रावत जी के नाम को एंकर करने वाली बात को चाल चल रही है। साथ दिखाता है कि किस प्रकार से वो हमारे लेजेंड्स का नाम इंकास्ट करने की तैयारी दोनों पार्टियां कर रही है। काट दिया है, मैंने फ्रेम काट दिया है। बीजेपी नेता जब आकर इस कार्यक्रम में जवाब देंगे, मैं तब उनसे जवाब लूंगा, लेकिन मैंने फ्रेम काट रखा है। जब वो आएंगे बैठेंगे, लेकिन फ्रेम कटा रहा है। जब बीजेपी नेता आएंगे तभी आप उनका बयान लेंगे। ओके लखपत जी, जवाब दीजिए। देखिए, आपने मेरी बात पूरी होने नहीं दी। मैं कह सकता हूँ कि देश के अंदर जो हमारे पहले जनरल है उत्तराखंड के, इतना स्वाभिमान है हमारा, अभिमान थे और आर्मी में यहाँ प्रदेश के सारे लोग हैं, ऐसे जनरल और सीरियस की ऐसी एक हेलीकॉप्टर में जो दुर्घटना हो जाती है वो जांच का विषय है। किसकी साजिश है, किसके माध्यम से है, क्यों उत्तराखंड जवान एक बहादुर एक सैनिक का नाम का इस्तेमाल कर आप अपने नाम पे वोट तो मांगते, एक हेलीकॉप्टर में उनकी दुर्घटना हो जाती, क्यों हो जाती, ये तो इनको जवाब देना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस, हम तो उनका सम्मान कर रहे हैं, हमने तो उनके घर गांव गए हैं, उनके परिवार का सम्मान किया, गांव में जाके सम्मान किया, पूरे उत्तराखंड के अंदर हम उनको दिल से सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं, दिल से उनका साथ उनका। ओके, सुशील त्यागी जी भी आ गए। मैं, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, बीजेपी का फ्रेम काटा हुआ था हम लोगों ने, अब सुशील त्यागी जी आ गए। ओके सुशील त्यागी जी, ये जनरल बिपिन रावत जी का राजनीतिक इस्तेमाल कांग्रेस कर रही है या आप कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर काम गिनवाने की बजाय देश के प्रधानमंत्री भावनाओं को भड़का रहे। अनम्यूट कर लीजिए सुशील जी। जी नमस्कार जी सर, बोलिए। जनरल बिपिन रावत देवभूमि उत्तराखंड के एक पराक्रमी और बहादुर अधिकारी थे। हम देवभूमि में भारतीय जनता पार्टी अपने उस वीर पुत्र का, जिन्होंने देश और दुनिया को, भारत के स्वाभिमान को सशक्त भूमिका प्रदान की, ऐसे उस शहीद विपिन रावत को भारतीय जनता पार्टी अपना गौरव समझती है और कांग्रेस पूरा देश उन्हें अपना गौरव समझता है। सर, इसमें कौन सी, आप लोग काम को गिनवाने की बजाय आपको लगता कि इस मुद्दे को लेकर जानबूझकर इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? आपको काम गिनवाना चाहिए ना। कौन उनका सम्मान नहीं करता? कांग्रेस अगर सम्मान करती तो प्रश्न चिन्ह क्यों उठाती है? अगर हम 1000 बार उनके शौर्य और पराक्रम को, देवभूमि के लाल को और देवभूमि की जनता उन पर स्वाभिमान करती है, तो कांग्रेस को आपत्ति क्यों होती है? अगर देश के प्रधानमंत्री देवभूमि में आकर और देवभूमि के लाल का महिमा मंडन करती है, उनको उनके शौर्य पर कुछ कहना चाहती है, तो आपत्ति किस राजनीतिक दल को क्यों होनी चाहिए? आपकी जवाबदेही नहीं उसके लिए सरकार, हमारे जवाब नहीं है। उसकी इंक्वायरी सेटअप हुई थी, उसकी इंक्वायरी जो सेटअप हुई थी, आप वो पढ़िए। आप क्या कहना चाहते हैं? आप कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आज न्यूज वर्ल्ड चैनल पर कहिए, आप कहिए कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में कि वो दुर्घटना नहीं थी, तो क्या थी, कहिए आप। आप कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में कहिए, जिसकी भारतीय तीनों सेनाओं ने, एयरफोर्स ने, आर्मी ने जिसकी जांच की, इंक्वायरी सेटअप हुई, आप उस पर प्रश्न चिन्ह, इसका मतलब आप सेना पर प्रश्न चिन्ह उठाना चाहते हैं। आप देखिए, बात को कहीं और मत ले आइए। आज जो राजनीतिकरण की बात हो रही है, वो तो आज मोदी जी ने कहा है ना इस बात को, कि कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है। आप बोल रहे हैं कि हम, अगर हमारी पार्टी अगर किसी विरंग किसी वीर आदमी के बारे में बखान कर रही है, तो कांग्रेस को पीड़ा क्यों है? ऐसी अगर कोई पार्टी दूसरी करना चाहती है, तो फिर बीजेपी को पीड़ा क्यों है? क्या जनरल, क्या
क्या जनरल रावत जी सिर्फ एक भाजपा के थे, क्या आप ये बोलना चाहते हैं, या फिर जनरल रावत पूरे देश के थे? आप ये बात को समझना पड़ेगा, जनरल रावत जी कोई सुशील भाई, जनरल रावत जी कोई कम्युनिटी नहीं है जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की विरासत बन के रह जाए। जनरल रावत पूरे पहाड़ की, पूरे उत्तराखंड की, पूरे देश की शान है। उसका राजीकरण करना, उनकी मांग को करना, उनके शहर देखिए किसी पब्लिक माउथ में उनके राम का राजीकरण करना, उनके शौर्य के सब शौर्य के ऊपर उंगली उठाना बराबर है। ये गलत काम जो आप लोगों की पद्धति बन चुकी है, ये कई समय से हो रही है। समीर जी, आप मुझे एक बात बताइए, अपने वीर पुत्र और सैनिकों के प्रति सम्मान या गौरव की भावना करना अगर राजनीतिकरण है, तो हम 1000 बार करेंगे ऐसा राजनीतिकरण? आप सिर्फ चुनाव के समय करेंगे इसको? आप सिर्फ चुनाव के समय करेंगे? क्या भाजपा के अंदर किसी मंत्री को यह होश नहीं आया कि उनके बारे में बात की जानी चाहिए थी? सिर्फ मोदी को आने, मोदी जी के आने पर ही बात को याद आया? आज तो धामी जी चुप के बैठे थे। आप धामी जी ने क्यों भाई, कितनी बार आपने बोला अभी तक, कितनी बार बोला आप लोगों ने, कितनी बार बोला कहा था भाई? आपको जानकारी आप दूसरे आप दूसरे उंगली बात उठाइए, पहले घर की बात कीजिए। आप घर के बाहर जाने की आप लोगों की पुरानी पार्टी की पुरानी आदत पड़ चुकी है, पहले अपने घर की बात कीजिए। क्या आपके मंत्रियों ने किस में रावत जी का गुणगान गाया इसके बीच में? तिलक भाई, समीर जी किस दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं, मैं थोड़ा देर से जुड़ा हूँ, माफी चाहता हूँ। ये आम आदमी पार्टी। अच्छा, आम आदमी पार्टी। जी 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 समीर जी, समीर जी आम आदमी पार्टी से हैं। लखपत जी को तो जानते ही आप, लखपत जी को तो उत्तराखंड जानते हैं, लेकिन लखपत जी ये तो हकीकत है ना कि कांग्रेस की तरफ से ये बयान जारी हुआ था। बयान जारी क्या हुआ था, किसी भी नेता ने कहा गुंडे शब्द का इस्तेमाल हुआ, तो क्या बीजेपी उसे एक राजनीतिक रंग दे रही है, या फिर जो आपकी गलतियां उससे बता रही है जनता को कि इन्हीं लोगों ने गुंडा कहा था? तिलक जी, मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि कांग्रेस का कभी इस तरह का बयान नहीं रहा। इस देश की तीनों सेनाओं को बनाने में, देश को, देश की, आप जानते हैं, देश की आजादी से लेकर, देश की मजबूती से लेकर, देश के सेनाओं के सम्मान को लेकर के कांग्रेस ने हमेशा काम किया। ये जो पार्टी छुटमुटी भैया 2-4, 10-15-20 साल से आ रहे हैं, जिन्होंने देश में दलाली की है, अंग्रेजों की दलाली की है, अंग्रेजों के साथ रहे, आ राष्ट्रपति की बात करें, जो वंदे मातरम का अपमान करते थे, जो तिरंगे के अपमान करते, वो आ राष्ट्रपति की सरकार है। ये दुखद पूर्ण है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं, क्योंकि समीर अतुड़ी जी भी कह रहे दोनों राजनीतिक दल इस्तेमाल कर रहे हैं। रावत जी के नहीं, रावत जी तो देश के थे ना, किसी कांग्रेस के या बीजेपी के तो नहीं थे ना, वो तो देश के, बिल्कुल देश के वीर सपूत थे। आप लोग राजनीतिक इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, सवाल ये खड़ा हो रहा है। आपकी बात तो सत सत नमन है। जनरल सीडियस साहब के जो असमय मृत्यु हुई, हमने उसमें भी कहा था कि देश के अंदर एक सीडियस को छोटी घटना हो जाना कोई छोटी घटना नहीं है, और उस घटना को लेकर हमने केंद्र सरकार से सवाल पूछे, जिसमें हमें लगा कि कहीं साजिश तो नहीं, कहीं कोई परिस्थिति तो नहीं है, उसको लेके इनको बताना चाहिए था, पहली बात है। दूसरी बात है, मैं आपसे पूछा हूँ, क्या मेरे देश के प्रधानमंत्री को इस चीज पे नहीं कहना चाहिए था कि देश का एक सीडियस एक गलत हेलीकॉप्टर देने की वजह से, हम उसमें माने कि एक्सीडेंट भी हुआ है, देने की वजह से सरकार की जिम्मेदारी के लिए माफी नहीं मांगी चाहिए? समीर अतुड़ी, क्या चुनाव जो है, आपको क्या लग रहा है कि चुनाव का जो एजेंडा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ रहा है, कभी, मैं आपको यही बात बोलना चाह रहा था तिलक भाई, जितिन रावत जी आ रहे हैं, क्या जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव होना चाहिए था, क्या उन मुद्दों पर दिखाई दे रहा है चुनाव? यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव की राजनीति होनी चाहिए थी, जिन मुद्दों के आधार पर इलेक्शन की बात की जानी चाहिए थी, उनको धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, ना कांग्रेस को काम कर पाई है, भाजपा को काम कर पाई है, इसीलिए ये दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं उन चीजों को कम करा के सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति और ऐसे लोगों की राजनीति नाम लेके ला रही है जिन पे भावनाएं के साथ खेला जा सके। ये बड़ा दुखद बात है कि बार बार आम आदमी पार्टी का आरोप है, सीधा जवाब दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के विषय में मैं क्या कहूं, जिनके नेता 3 दिन तक हरिद्वार में रहते हैं और पहाड़ चढ़ने की हिम्मत नहीं करते, तो पहाड़ पर सरकार बनाने की काम कैसे हिम्मत करते हैं? रतुड़ी जी, आप मुझे बताइए, आपके नेता सरकार पहाड़ी बनाएगा, सरकार पहाड़ी व्यक्ति बनाएगा,
केजरीवाल सरकार नहीं बनाएंगे, मुख्यमंत्री भाई साहब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री चेहरे नहीं रहे, केजरीवाल जी चेहरे मुख्यमंत्री चेहरे नहीं है, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री चेहरे नहीं है, हमारे नेता हमारे से कर्नल कोठारी जी है, हमारे नेता कर्नल कोठारी जी है, सुशील भाई पहले आप अपनी पहले अपना सुशील भाई पहले अपनी जान ठीक कीजिए, सुशील भाई पहले अपनी जान ठीक कीजिए, पहले आप अपना जान ठीक कीजिए, आपके स्वास्थ्य विभाग पहले ने क्या फटकार लगाई थी आपको पता है, सुशील भाई पहले अपना आप फ्री के खराब करते हैं, आप दिल्ली में क्यों नहीं देते 1,000 रुपए बेरोजगार, आप पहले दिल्ली में क्यों नहीं देते रतुड़ी साहब बताइए ना आप, सुशील भाई बोल रहा हूँ एक मिनट मैं आपके सामने एक मिनट कंफर्म कर लेता हूँ, एक मिनट समीर रतुड़ी जी, आज तक केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया जी कभी किसी पहाड़ में, आप गैरसैंण तो छोड़िए, गैरसैंण को तो राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं, कभी गैरसैंण गए हैं, कभी एक रात गुजारी है कभी पहाड़ में, वो ये पूछ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ उत्तरकाशी में जिस दिन मुख्यमंत्री के कहने की घोषणा हुई थी उस दिन मनीष सिसोदिया जी उत्तरकाशी में मौजूद थे, आपको शायद पता होगा यदि याद हो, जिस दिन मैं खुद मनीष सिसोदिया नई टीवी के अंदर रोड शो में था मौजूद था, जो डोर टू डोर कार्यक्रम में था, उस दिन मनीष सिसोदिया जी नई टीवी में मौजूद थे, गैरसैंण गए हैं। देखिए अभी आपको अभी मैं बात आ रहा हूँ, मैं अभी बात पे आ रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं देखिए वो पहले इस चुनावी दौर में नहीं गया, उससे पहले गया हूँ, चुनाव दौर अगर वो हरिद्वार 3 दिन रुक सकते हैं तो हमारा जो मुख्यमंत्री चेहरा है, देखिए हमारे इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री चेहरा है वो कर्नल कोठियाल है, न कि अरविंद केजरीवाल जी, आप ही के नेता यहाँ बैठकर ये बोल चुके हैं कि स्क्रिप्ट तो दिल्ली से लिखी जाती थी, हम तो सिर्फ पढ़ते हैं, नहीं ये तो आप कौन से नेता ने बोला आप बताइए मुझे पहले, कौन नेता था जो ऐसा बोल रहे गए हैं, उनमें से आधे नेताओं ने यही बात बोली, बिल्कुल देखिए आपने आप सही बात बोली, जो लोग छोड़ के गए हैं वो लोग हमारी पर आरोप लगाए उन्होंने कि आपके प्रदेश प्रभारी ने टिकटों को बेचा, तिलक भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आपने डमी कैंडिडेट उतारे हैं ये आरोप लगा रहे हैं, आपको और आपकी के पार्टी के जो छोड़ के गए वो ये आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, तो आदमी छोड़ के गया है पार्टी में रहने वाला व्यक्ति नहीं बोल रहा है, जिन लोगों को टिकट नहीं मिली है उन्होंने पार्टी छोड़ी है और खुंठा में आपको चुप होकर उन्होंने बात छोड़ी है, आरोप आरोप प्रत्यारोप ऐसे ही रखते हैं जो हर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, जो पूर्व सैनिक छोड़ के गए हैं उन्होंने आरोप लगाया है, आप बोले कि तिलक भाई मैं बोल जिन्होंने जिन्होंने जिनको टिकट नहीं मिला वो पार्टी छोड़ के गए हैं उन्होंने ये आरोप लगाना लाज भी है। लखपत बड़ोला जी मैं ये कह रहा हूँ कि जिन मुद्दों के आधार पर आप लोगों को स्टैंड करना चाहिए, कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आ रही है, कभी बात आ रही है कि भैया विपिन रावत जी का इस्तेमाल हो रहा है, आखिरकार ये राजनीतिक इस्तेमाल कर कौन रहा है, राजनीतिक इस्तेमाल अगर आप लोग इस विषय को लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब उत्तराखंड का चुनाव भटक चुका है। तिलक जी आप एक चीज बताए, सोशल मीडिया से लेकर सारी चीजों पे क्यों कौन उठा रहा, प्रधानमंत्री जी इन भाषणों को दे रहे हैं तो कौन मुद्दों को उठा, इन्होंने यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे काम क्या होता, यहाँ महिलाओं के सुदृढ़ीकरण पे काम क्या होता, यहाँ के स्कूल हॉस्पिटलों पे काम क्या होता, तो इनको इस तरह की बातें नहीं करनी पड़ती, लेकिन जिस तरह से प्रदेश को गर्त में डुबाने का काम भाजपा ने किया है वो प्रदेश की जनता जानती है, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं दो उदाहरण पूछना चाह रहा हूँ अपने मित्र त्यागी जी से कि भाजपा के पिछली बार दृष्टि पत्र में पहले बिंदु पे था कि हम सरकार में आएंगे 2 दिन में हम लोग फनूरी का लोकायुक्त लागू कर 6 महीने में सरकारी नौकरियां लगा देंगे, अब ये दो पद जो मैंने कहा वो कौन से पूरे हुए ये तो बता दीजिए, पहली बात है। दूसरी बात मैं ये जरूर कह रहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए इस समय जनमानस परिवर्तन का मन बना चुका है, कांग्रेस को लोग चाहते हैं और ये भाजपा देख रहे हैं इसलिए ये बौखला गई है अपने केंद्रीय नेतृत्व को। त्यागी जी मैं जवाब ले रहा हूँ लखपत जी, त्यागी जी मैंने तीन बार माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी उनसे यही सवाल पूछा जो लखपत जी पूछ रहे हैं, एक मिनट लखपत जी प्लीज आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूँ, 3 बार आप इंटरव्यू को टाइमलाइन पर देखेगा, न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टाइमलाइन पर पड़ा हुआ इंटरव्यू, माननीय मुख्यमंत्री जी से 3 बार मैंने पूछा कि लोकायुक्त को लेकर आपका स्टैंड क्या है, लोकायुक्त 100 दिन में आने वाला था तो आपने क्यों नहीं लेकर आए, लोकायुक्त क्या आप दोबारा सत्ता में आएंगे लोकायुक्त लेकर आएंगे, तो उनका एक ही जवाब था कि हमारे पास नहीं है प्रवर समिति के पास पड़ा है। अब प्रवर समिति के पास सिफारिश किसने की है भी एक दिलचस्प बात है, प्रवर समिति के पास सरकार ने सिफारिश की कि प्रवर समिति को सौंप दिया जाए,
मैं ये पूछ रहा हूं कि ऐसे हालात में जिन एजेंडे के आधार पर चुनाव होना चाहिए, जो बात लखपत जी कह रहे हैं कि आप लोग अपनी उपलब्धियां गिनवाइए ना, ये बताइए कि हमने ये किया है। देखिए तिलक जी, मैं बताना चाहता हूं, 14 तारीख को उत्तराखंड में उत्तराखंड के सभी लोग अपना मतदान करेंगे। लोगों ने तय कर लिया 12 तारीख को चुनाव प्रचार समाप्त होगा। मैं आज आपके चैनल पर, पता नहीं दो दिन के बाद मेरा नंबर आएगा या नहीं, लेकिन आज लखपत भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोगों ने तय किया है, आप नरेंद्र मोदी भाई को बता रहे हैं कि वो विपिन रावत पर राजनीति करते हैं, नरेंद्र भाई आए थे उत्तराखंड में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने के लिए, नरेंद्र भाई आए थे लोगों को उज्ज्वला के साथ, फिर एक मिनट में लखपत भाई मुझे पूरी कर लेनी दिए, जो लोगों के मन में 4 दिन बाद जो ईवीएम पर बटन दबेगा ना, तो आप तब कहेंगे कि ईवीएम खराब थी। मैं आज तिलक भाई के चैनल पे ये बताना चाहता हूं न्यूज वर्ल्ड पे कि हम 60 पार जा रहे हैं, आपकी रस्साकसी और लड़ाई है, आपकी तो बात छोड़ दीजिए, आप तो राजनीतिक जो नेशनल पार्टी का एजेंडा लेने के लिए रतुड़ी जी यहाँ आए थे, इनके नेता तो चढ़ भी नहीं पाते, लेकिन जो लोगों के मन में है 10 मार्च को पता चल जाएगा आपको। उत्तराखंड के लोगों ने जो तय किया है उस राज्य में विकास को तीव्र गति देने के लिए, जब राज्य स्थापना के 25 वर्ष उत्तराखंड में पूरे होंगे, राज्य का नौजवान, यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा, यहाँ की जनभावनाओं के जो स्वरूप है, वो नरेंद्र मोदी जी ने जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, कौन सा सीप्लेज जो सतपाल महाराज जी ने उतारा था टिहरी में, वो वाला या तेरा डेस्टिनेशन जो बनाए थे, तेरा डेस्टिनेशन, तेरा जी रेल चलाने का काम किसने किया तिलक भाई, किसने किया तिलक भाई, वो पार्टी है जो भूकंपों के नियम पे दबाव लागू कर चुकी है, रेल पुरुष के नाम पर, वो अभी भी रिबन कट रहे हैं सर, रेल पुरुष के नाम पर, छोड़िए उस बात को, लगता जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं इस कार्यक्रम को वाइंड अप कराऊं, फाइनल कमेंट आपका लखपत जी। आपने ठीक कहा, 30 बता सकते, मैं जरूर कहता, इन्होंने अच्छी बात, लोग देखेंगे पास सिलेंडर हुआ, लोग देखेंगे 100 रुपए डीजल पेट्रोल हुआ, वो तो 3 मुफ्त दे रहे हैं, आपने तो 1 मुफ्त देने का ऐलान नहीं किया, रोजगारी के नीचे ले गया, गरीबी रेखा में फेंकेल दिया, उत्तराखंड की खंड की जनता अब आपको जवाब देगी, आपको 2.5 के अंक में नहीं आएंगे देंगे, आप भी जानते, आप जानते भाजपा उत्तराखंड की सत्ता से सड़ी पार होगी, और यदि आप इतना काम सुना नहीं, त्यागी जी ने कहा कि जब 10 तारीख को नतीजे आएंगे आप कहोगे ईवीएम खराब हो गई थी, गांव गांव घूमना नहीं पड़ता आपको, गोपेश्वर से लेकर रुद्रप्रयाग से लेकर चमोली से लेकर आपको श्रीनगर में तक रैलियां नहीं करनी पड़ती, यदि आपने इतना काम किया होता तो ये प्रधानमंत्री जी को आने की जरूरत नहीं होती, अमित शाह जी को आने की जरूरत नहीं होती, मान्यवर आप भी जानते उत्तराखंड के बर्बाद, उत्तराखंड को तबाह किया है, लोकतंत्र का पर्व है, इसमें केजरीवाल की तरह बैठकर चुनाव नहीं लड़ा जाता, जनता के सामने जाना है, कोई काम हुआ नहीं है, इसलिए डैमेज कंट्रोल करें, वो उत्तराखंड में आए हैं और इसी कारण वो यहाँ भी रैली कर रहे हैं, रुद्रपुर में रैली करेंगे। एक मिनट लगता जी, एक मिनट, ये नैरेटिव सेट हो जाएगा मोदी जी के आने से, डैमेज कंट्रोल होगा क्या? मोदी जी लोकप्रिय नेता है, उत्तराखंड की जनभावना उनके साथ जुड़ी है, आस्था का जो उनका केंद्र है, उत्तराखंड के लोग उनसे प्यार करते हैं, और इसीलिए उनकी दिक्कत यही है कांग्रेस को के नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, गेम चेंज हो गया, हमारा जो नारा है 60 पार, yes, गेम चेंज हो गया, अपराध कबूल कर रहे हैं, यही है जी रहे हैं, ये मोदी के करनी जी रहे हैं, मोदी के सारे चले गए, बिल्कुल बिल्कुल, आप मोदी आप भी बंदूक से सारे चले गए, उत्तराखंड की सियासत में देवभूमि के दंगल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे तौर पर पंजे पर प्रहार था, निशाने पर कांग्रेस थी और विपिन रावत सबके सम्मान में, सबके दिलों में, क्या उनके नाम पर राजनीति हो रही है, सवाल यही था, और पूछता है उत्तराखंड की आखिरकार उनके नाम के सहारे कौन कर रहा राजनीति। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।